तो हेलो गाइस, क्या कर रहे हैं आप? और आज हम खेलने वाले और आज हम बनाने वाले हैं एक एवेंजर्स टावर। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में और भी बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। पहले हम मैंने आधा बेस बना के रखा है क्योंकि बेस बहुत ही लंबा समय लेता है बनाने के लिए। पहले मैं एक बेड ले लूं और बाद में मैं आपको कौन से मोड में अच्छा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं जान सकूं कि आपको कौन सा मोड पसंद है। और गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फिर रात हो रही है लेकिन हम नहीं सोने वाले। मैं कभी रात को सोता नहीं हूँ, मजाक कर रहा हूँ। सॉन्ग इसलिए तो मैंने मेरा बेड साथ में रखा है। और गाइस, वो भी बताइए कि आपको कौन सी गेम पसंद है, इसलिए मैं वो गेम खेल सकूं।
गाइस मुझे लगता है कि एवेंजर्स टावर के लिए इतना बेस काफी है। चलिए अब सीढ़ियां बनाने शुरू करते हैं। गाइस आपको सीढ़ियां भी जो कलर की बनानी है आप बना सकते हैं। चलिए अब हमारी सीढ़ियां भी बन गई, तो अब असली सीढ़ियां फिर लगाएंगे इधर ही। चलिए तो अब हम इन प्लैंक्स को फेंकते हैं और ये सीढ़ियों को। अब हम लगाएंगे इधर टॉर्च, इसलिए कोई ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। ये तो चाहिए हमको। ऐसे करके लगानी पड़ेगी, बाद में आपको एक ब्लॉक छोड़ के लगाना। इसको ही कंटिन्यू करते ले उधर तक। बस थोड़ा सा ही बाकी है गाइस, बाद में हम एवेंजर्स टावर बनाना शुरू करते हैं। और बाद में हम अपना घर बनाएंगे बहुत बड़ा, एवेंजर्स टावर से भी ऊंचा बनाएंगे। चलिए गाइस हमारा डोर चीज तो लग गई है, अब इन प्लैंक्स को भी सेट पे करता ऐसे।
और इन टॉर्चेस की तो जरूरत है और बेड हमको पहले चाहिए ये वाले डोर दूसरा हमको चाहिए ये और ये ना ये और ये तो ऐसी बुकशेल्फ भी ले लेते हैं कुछ कोई भी आ जाए तो पढ़ने के भी काम है इधर हम लगाएंगे अपना डोर एक इधर और एक इधर नहीं ये वाला डोर परफेक्ट इधर लगेगा क्योंकि ऐसे दूर दूर लगाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा चलो नीचे वाली लाइन हम कंक्रीट से ही बनाएंगे क्योंकि कंक्रीट से मेरा फेवरेट ब्लॉक है अरे इतना दूर नहीं बनाना है सिर्फ एक लाइन ही रहनी चाहिए और ज़्यादा स्पेस रहनी नहीं चाहिए क्योंकि सामने की तरफ आप जितनी स्पेस छोड़नी जाओ आप छोड़ सकते हो लेकिन ये जो ऐसे बनाओगे ना तो सिर्फ इतनी स्पेस चाहिए क्योंकि और ये दूसरी लाइन में हम इधर थोड़े से ग्लास लगाए देंगे ए भाई इधर नहीं और इधर की लाइन में शायद दो ग्लासेस लगाने पड़े क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है और इधर भी दो ग्लासेस इधर अच्छा लगा दो ग्लास आप जो जाए वो कलर के यूज़ कर सकते हो बस आप पेन ग्लास में यूज कर सकते ये वाले जो ग्लास है ना कहाँ गए वो ये वाले ग्लास आप नहीं यूज कर सकते ऊपर का मैं डायमंड से बनाऊंगा कि वो डायमंड इज जस्ट अ स्कूल ब्लॉक और गाइस आपको अगर इधर भी ग्लास लगाने हैं तो आप लगा सकते हो और मैं तो उधर ये ही लगाऊंगा क्योंकि वो ऐसे ढक जाए मुझको और बहुत सारे ग्लास लगाने भी नहीं है ऐसे बाद में हम जैसे ही बन जाएगा ना हम दो टावर्स खड़ा करेंगे इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए चलो अब हम कौन सा ब्लॉक ले लॉबी वाला लेते हैं लॉबी ब्लॉक बहुत ही कूल है बहुत 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 आप ऊपर का पूरा हिस्सा हम लॉबी का ही बनाएंगे डिजिलैंड आपको ये टावर जो भी कलर का बनाना आप बना सकते हैं और टॉर्च भी है आप रेडस्टोन टॉर्च
y legal este y hacer bluestone. और कौन सा ब्लॉग आपका फेवरेट है वो भी मुझको कमेंट के कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मेरा फेवरेट ब्लॉग तो है ये वुडन ब्लॉग, क्योंकि वुडन ब्लॉग है ना, उसको बनाने के लिए इतनी सारी मटेरियल्स नहीं चाहिए जितने डायमंड और ऐसे ब्लॉक बनाने के लिए चाहिए ना, मटेरियल उसको बनाने के लिए नहीं चाहिए। इससे वो मेरा फेवरेट ब्लॉक है। मैं जब भी लगाता हूँ ना कोई ब्लॉक, तो मैं वुड ऐसा कोई ब्लेज बनाता हूँ ना सर्वाइवल मोड में, तो इसी का ही बनता हूँ। सर्वाइवल क्रिएटिव जो भी मोड खेल रहा हूँ मैं, उसमें यही वुड का ही बनाता हूँ। इतना कवर करना भूल गया मैं तो, पूरे का पूरा भुला करूँ। इधर ब्लॉक नहीं करना, इधर करने का एक जगह आप खुली छोड़नी है आपको, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए भी तो आपको वक्त चाहिए ना सीढ़ी। अगर आप उधर ब्लॉक लगा दोगे तो सीढ़ी ही नहीं लग पाएगी। अरे एक प्रॉब्लम है, नहीं कोई नहीं, मुझे लगा कि इधर वो ऐसी दीवार नहीं है, इसलिए मैंने गाइस मुझको कोई आइडिया दीजिए कि मैं ऑब्जीडियन कैसे तोड़ सकूं, क्योंकि मुझको ऑब्जीडियन तोड़ना है। मैंने एक जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तब मैंने एक बार ऑब्जीडियन तोड़ने की नहीं क्या ये बेडरॉक तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं टूट रहा था। प्लीज़ मुझको बोलिए। एक दो तीन चार पाँच नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः ब्लॉक्स हमको इधर भी ले जाए। वो क्या है, वो क्या था, एक घर है। हाय गाइस कैसे हो आप, कॉमेडी कम हाय। कितने ब्लॉक्स, छह ब्लॉक्स ना, छह एक दो तीन चार पाँच छः, एक अब क्या गिनने की जरूरत है। ए मैंने तो गलत, अरे टूट
sorry guys, थोड़ी सी देर लग रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मैं बना सकूँ, क्योंकि आपको भी बहुत सारा काम करना होगा। ये ऐसे क्यों लग गए? लगा वापस ऐसे ही लेके लगाने पड़ेंगे मुझको, वरना वो गैस किस के चल गए। और इधर ऊपर में मैं इधर फर्नेस लगाऊंगा, वैसे फर्नेस इसलिए कुछ तो काम आए, तीन फर्नेस। और मैं थोड़ा सा चेस्ट भी लग लेता हूँ, किसी को कुछ सामान रखना हो या कोई बूढ़ा या बच्चा आ जाए तो कोई खिलौने वगैरह रखने के लिए। और भी मैं डेकोरेशन करूँगा, चिंता मत कीजिए, आपको तो लग रहा होगा कि ये तो टावर बन, लेकिन मैं और भी डेकोरेशन करूँगा। ए लिखूँगा इधर में, ए ये तो टॉप है ना, कहाँ पे ये रहा, इधर इधर में ए लिखूँगा। वो क्वार्ट्ज ब्लॉक कहाँ पे गए? क्वार्ट्ज मेरे कोई ब्लड नहीं, मैं तो ग्लास ही बने नहीं, उनको क्वार्ट्ज ब्लॉक ही, क्वार्ट्ज ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज, एवेंजर्स का ए तो चाहिए ना, एवेंजर्स का एवेंजर्स टावर है तो। इधर इधर और इधर और इधर, इतना बस लग रहा है मुझको ए के लिए। और इधर भी थोड़ा सा रख लेते हैं बाई चांस अगर छोटा पड़े तो। ये रहा ऐसे और ये ऐसे 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 एवेंजर्स का ए, एवेंजर्स टावर। और इसके ऊपर मैं पहले तो मैं ऐसे करूँगा, इधर एक और इधर एक, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, इधर दोनों जगह पे मैंने दो दो लगा दिए। अब इसके बीच में हम वो लगाएंगे, क्या कहते हैं, ग्लोस्टोन। अच्छा लग रहा है ग्लाइड गाइस, ये तो मैंने उल्टी साइड बना दिया, उस साइड बनाना है, कोई बात नहीं उस साइड भी बना लेते हैं, हमारा क्या जाएगा। क्रिएटिव में खेल ले, इसलिए हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गम जितने चाहिए उतने लगा लो। जब भी क्रिएटिव खेलता हूँ ना ऐसा ही करता हूँ, वैसे जो जाए वो लगा दूँ। इधर से हमको लेने का है, ऐसे 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 ऐसे। चलिए ये बनाते हैं, या वो कैसे किससे बनाया है मैंने, हाँ कॉन्क्रीट के बना। अब ए हमने सारे डायमंड से बनाया है, तो ए भी इधर डायमंड से ही बना लेते हैं। सॉरी गाइस ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इधर से थोड़ा काट लेता हूँ, ये नहीं काटना था भाई, इसको
उसको तो रेंडोफन अपना अपना ये भी नहीं बनने वाला। इसको बिता से 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 और ऐसा अबे बन चुका है मैं थोड़ी देर। ये मैं कौन सा ब्लॉक लगा रहा हूँ और बीच में ऐसे और ऐसे और इससे भी वैसे ही कर देता हूँ जैसा मैंने उस साइड किया। एक दो एक दो एक दो बीच में ग्लोस्टोन चलिए अपना घर बनाते हैं क्योंकि ऐसे तो हम खुले में हर दर वक्त नहीं छोड़ सकते, घर तो चाहिए ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो जो घर बनाया ना उधर वो चोरी कर, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, चोरी करना बुली बना है। गाइस एवेंजर्स टावर अच्छा है तो कमेंट करके बताइए मुझको। चलिए अब अपना घर बना दो। एक दो तीन चार 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 अरे सॉरी एक दो एक दो तीन चार 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 एक दो तीन अरे भाई एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार। एक कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं है गेम में, कोई बात नहीं बाद में सही कर दूंगा। अब गाइस दरवाजा कहाँ गया हमारा, ये रहा। गाइस बेड रख के सो जाते हैं, अभी मुझे रात बज गई है, मैं रात को कोई काम ही नहीं कर रहा। जैसे कि फ्लोर चेंज कर, अब वो फ्लोर चेंज करने के लिए बहुत टाइम लेते हैं, सही में फ्लोर चेंज करने में बहुत टाइम। गाइस क्या ये एंट्रेंस अच्छी है, प्लीज मुझे कहीं अब मैं इसको रख कर इसमें आजकल बहुत चीज़ गलत कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट में, पहले सही करता था उससे ज़्यादा तो मैं आजकल गलत कर रहा हूँ। सॉरी गाइस मुझे ये लग गया, इतना सा घर इतना बड़ा घर और फ्लोरिंग इतनी जल्दी चेंज हो गई। ये तो शवल लेके किए ना, उसका का चमत्कार है शवल का, मुझको पता भी नहीं था कि ये क्रिएटिव में भी काम करेगा शवल इतना फास्ट। दिखाऊं, देखिए ये सबल इतने फास्ट तोड़ता है और अगर हम दूसरी कोई चीज़ लेके तोड़ेंगे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो टूटेगा वो। तो सबल बहुत फास्ट तोड़ता है, जैसे ये मिट्टी जैसी चीज़ें कोई सबल बहुत ही फास्ट तोड़ता है, इसलिए मैं सबल हर वक्त यूज़ करता हूँ। ये तो बन गया,
अब मैं इधर ऊपर ऐसे सीलिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये बर्फ अंदर गिर गई तो ये डंडा ठंडी हो जाएगी बहुत, और इसे फ्लोरिंग के अंदर से बर्फ भी निकालनी पड़ेगी। बहुत काम है, चलो लाइक कर दो फ्रेंड्स, इसलिए मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। थोड़ा अंधेरा हो चुका है, लेकिन नो प्रॉब्लम है, इसको भी संभाल लूंगा। इतर भी एक लगता है कि ये लाइटिंग इतनी बस है। और इधर मैं दिखूंगा ट्रिप किंग साइज बेड, और इधर होगा हमारा ये क्या कहते हैं इसको, ये चेस्ट, और ये है हमारी डिजाइन वाली जगह इलेक्ट्रिक वाली, इसके अंदर हम खाना पका सकते हैं। छू छू मस्त है, इधर एक ये मस्त डिजाइन हो गया। ए भाई ये इसको इधर नहीं लिखना है, इधर इधर और इधर, ये मस्त डिजाइन हो गया। एक तो क्या डिजाइन का डिजाइन हो गया, ये देखो सी इधर सी 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 मस्त, ये बहुत मस्त लग रहा है, सीरियसली गाइस सीरियसली। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।